Audio Jungle. फिलौर के नज़दीक पिंड मठड्डा कलां विखे मनाई गई काली लोहड़ी। जी हाँ, तुम दस दिए कि पिछले 3 महीने तो वाधा समा हो गया है कि पूरे देश के किसान दिल्ली विखे संघर्ष से बैठे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने चुप चपीते एक काला कानून तैयार करके किसानों की जमीन हथियाने का एक हथियार तैयार किया, लेकिन किसान उसको भांपते हुए दिल्ली विखे संघर्ष कर रहे हैं। तो उस बिल को रद्द करवाने लिए अपने जद्दोजहद कर रहे हैं। इस ही संघर्ष में कई किसान अपनी जाना भी दे चुके हैं। मोदी सरकार अपने अड़िए रवैये तो पिछे नहीं हट रही। हुण किसानों ने एक प्रण लिया कि इस बार लोहड़ी का त्यौहार काली लोहड़ी वजो मनाई जाए, और उस काले कानून दी कापियां धूनी विच फाड़ के ये विरोध प्रदर्शन किया जाए और मोदी सरकार के कन्नां विच जूं सरकाई जाए। अज पिंड मठड्डा कलां दे सरपंच कांति मोहन की अगवाई हेठ सैकड़े पिंड वासियां ने उस काले कानून दीआं कापियां फाड़ के केंद्रीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, अपने किसानों किसान भरावां दे जो कि शहीदियां पा गए उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की। मोदी सरकार को चेतावनी दी कि अपने बनाए हुए काले कानून जल्दी जल्दी रद्द करे। जिहड़े किसान वीर शहीदियां पा गए उन्होंने श्रद्धांजलि देने की कोशिश जी असी लोहड़ी बिल्कुल नहीं मनाई। दुल्ला भट्टी जो बहादुरी का प्रतीक थे, अज के दुले जोड़े आज जोड़े किसान भरा आ वो आ जोड़े बॉर्डर के उत्ते काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे आ, इस करके मतलब असी जो अच का दिन जरा वो लोहड़ी का नहीं मनाया। असी तो किसानों ने श्रद्धांजलि दी है, और जोड़े काले तीन कानून आ खेती के कानून जोड़े आ बनाए गए, और लेबर एक्ट के बच्चे जो 8 से 12 घंटे का जोड़ा मोदी सरकार करती थी वो असी जो अज इतने दाह संस्कार जोड़ा किया, और मोदी सरकार का दाह संस्कार। देखो ये सरकार का पैंतड़ा आ, ये बिल्कुल लोगों के हड़बड़ाहट कर पैंतड़ा आ, ये लोगों की कमेटी जी सरकार बनवा रही है सुप्रीम कोर्ट के राही। जेड़े लोग उन्होंने जेड़े लोग पहला बधाई देंगे, जेड़े लोग पहला बयान दे चुके आ कि जेड़े ये ऑर्डीनेंस आ जेड़े कानून आ ये ठीक आ काले कानून नहीं है, उन्होंने लोगों की कमेटी तो सानू की मिलना। तो मैं तो पूरे पंजाब के लोगों जथेबंदियों तो चलो सारा कुछ जानती ही हाँ, बहुत सीनियर आगू और बहुत ही ठरमे ना बहुत अच्छे तरीके ना सारे बॉर्डर के उत्ते अंदोलन चल रहा। लोगों वास्ते मेरी बेनती आ कि लोग गुमराह ना हो के सुप्रीम कोर्ट की रोक वाले मामले के असी गुमराह होकर अपन किसान जथेबंधियों ये कह लग पाइए कि नहीं तुम हम उठ जाओ जी ये रोक लग गई है। ये रोक कोई नहीं, ये सिर्फ ध्यान भड़काने का जिहड़ा तरीका आ, ये जान बुझ के सरकार का एक साजिश तहत जिहड़ा एक ये पेंतड़ा आ, ये यकीन करन योग नहीं है। जदों सुप्रीम कोर्ट नूं ये जिहड़ा पता लग चुका कि ये किसान विरोधी कानून आ, तां उस सुप्रीम कोर्ट नूं भी यह डायरेक्शन जिहड़ी आ उह दे देनी चाहीदी आ सरकार नूं कि इमीजिएटली इहदे उत्ते तुसीं जिहड़ा आ इहनां नूं रद्द करो कानूनां नूं, लेकिन फैसला जिहड़ा आ उह मिली भुगत वाला लग रहा है। सारे ही बॉर्डर के उत्ते बहुत सूझबूझ दे नाल इस अंदोलन नूं चला रही हैं, मैं सिजदा करदा उन्हां नूं सलाम भी करदा जिहड़े भी आगू बॉर्डर के उत्तों चला रहे हैं। पर मेरी जिहड़ी लोगों नूं बेनती आ कि आपां पूरे पंजाब दे विच्चों 3 करोड़ आबादी दे विच्चों घट्टो घट 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग उत्थे जा के शामिल होइए, तां कि इंटैलीजेंसियां नूं पता लग सके, सरकार नूं पता लग सके कि लोगों के मनां विच रोह आ, रोह हैगा, लेकिन लोग उन्नी श्रद्धा पूर्वक जिहड़ा आ उह हजे उत्थे पहुंचण दे विच नाकामयाब हो रहे आ। मैं जथेबंदियां नूं भी बेनती करदा, किसान अंदोलन जथेबंदियां जिहड़ियां चला रही आ सारिआं नूं बेनती करदा कि घट्टो घट 100-100, 200-200 जिहड़ी मैंबर जिहड़े आ टीम दे टीमां बना के पिंडां विच लोकां नूं जागृत करन वास्ते और धरने विच हाजरी लाउण वास्ते प्रेरित करन वास्ते जिहड़ियां टीमां उह भेजीआं जाण, तां कि जिहड़ा बहुतात दे विच लोक जिहड़े उत्थे धरने के अंदर जिहड़े जा सकण, तां इह खेती कानून जिहड़े काले कानून आ इह रद्द हो सकण।